लेक्सस वाइटी, ये पहले भी आया है लेक्सस। गेम भी उठाओ, स्प्रिंग में आ जा, समझा का मिस्टर रजनीश बोल रहा हूँ, वहीं पे लूंगा तेरी, आ जा। ओ क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा हॉर्स है, स्प्रिंग बुला रहा है, ले चलिए। ओ भाई भाई, ये रहा। अबे यार ये नहीं है कोई और है, रजनीश के नाम से। वहां पे है क्या वो? शेख वाले पत्थर के पास है क्या? बढ़िया ट्रिगर पॉइंट, वो बच गया। बढ़िया। हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। तो यार मैं आ चुका हूँ फिर से पबजी मोबाइल के एक और गेम प्ले के साथ में। और यार इससे पहले वाली क्लिप में सीन तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा, मेरा नाम टॉप आरपी में आ रहा था, 100 आरपी हो चुकी तुम्हारे भाई की। तो हुई किसी ना किसी के चुल और बुलाया भाई ने हमें हॉट स्प्रिंग में, चैलेंज देके कि वो हमारी लेंगे वहाँ पे। खैर वो ले तो नहीं पाया, खैर उल्टा दे बैठे हमें। अब यार ये चीज़ तो हर किसी की होती है कि यार जिसका भी नाम टॉप आरपी में दिखता है ना, तो उसको पेलने की हर किसी की इच्छा होती है। तो सेम चुल भाई की भी हुई, तो चुल मिटा दी गई उनकी। खैर फिलहाल मुझे तो वहाँ पे 3 ही किल मिल पाई, और हमारे टीममेट कुछ ज़्यादा भावुक हो गए और उनकी पेटी बना दी। तो खैर जो भी है, उसकी टीम वहीं ख़त्म हो चुकी है और चैलेंज पूरा कर दिया उनका। और फिलहाल अगर इस वाले गेम प्ले की हम बात करें तो यहाँ मैं खेल रहा हूँ डुओ MJ17E के साथ में, और हमारे साथ ग्राउंड्स पे एक टीम और आई होती है, तो देखो उनकी क्या ही पेटी बनाते हैं। अब दे दो, आई कैन हियर यू बट योर वॉइस इज। हेलो, या सो आई नॉक आउट समवन ऑन द लास्ट हाउस, आई डोंट नो इफ हिज टीममेट इज आल्सो देयर। अब यहाँ मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है और उसको मैं नॉक कर देता हूँ। भाई घर के अंदर घुसने ही वाले थे, खैर उनको पहले ही रोक दिया गया। और इसका टीममेट बाकी है जो कि पता नहीं कौन सा नशे में खेल रहा था, उसको पता है यहाँ पे एक टीम है, फिर भी ओपन से भग के जाते हैं और पकड़ते हैं भाई को भी। लो भाई, अब ये शायद खुद को फ्लैश समझ रहे थे और मतलब सोच रहे होंगे कि मैं बहुत स्पीड से भग रहा हूँ और सामने वाले मेरे को नहीं पकड़ सकता, लेकिन ऐसे कैसे भैया, हम तो यहीं देख के बैठे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे एक ही टीम आई होती है, तो इनकी तो पेटी बना दी जाती है। और यहाँ पे एक आध बोट आते हैं, तो उन बोटों की पेटी बनाने के बाद चलते हैं आगे की तरफ, बाकी बंदे पेलने। अब देखो हम जब वहाँ पे लूट रहे होते हैं तो यहाँ पे काफ़ी देर से शूटिंग के साउंड आते हैं, तो हम लोग आते हैं देखने के लिए। नॉट श्योर इफ इट्स अ ब्रोकन बिल्डिंग और तो समर इज नॉक आउट हियर। अब सबसे पहले मेरे को ये बॉट स्पॉट होता है जो कि यहाँ पे नॉक पड़ा होता है, तो सबसे पहले मैं इसकी किल खींचता हूँ। और मैं बोलता हूँ यहाँ पे शायद बोट की पेटी बनी, तो पेटी बनाने वाला भी होगा यहाँ पे, तो उसको ढूंढते हैं पहले। नहीं, दे दे दे। अब मुझे यहाँ पे बंदा दिखता है, अब इसकी हरकतें तो बोट जैसी थी बट इसका नाम मेघराज था। अब ऐसे नाम पता नहीं बोटों के होते हैं या नहीं, तो आप लोग इसमें को कमेंट में बता देना कि ये बोट था या बंदा था। खैर जो भी था, यहाँ पे इसकी पेटी बनाई और हम लोग निकलते हैं आगे की तरफ। आसपास एक ड्रॉप वो आता है, तो हम लोग सोचते हैं चलो ड्रॉप वॉप लूटते हैं और थोड़ा लेवल 3 अपग्रेड किया जाए। तो हम लोग जाते हैं वहाँ पर और वहाँ से आते हैं गन साउंड्स, और देखो वहाँ पर क्या ही बुनानजा मिलने वाला है। देर 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 रियल एनिमीज, लेट्स गो। तब देखो हम लोग जा रहे होते हैं उस तरफ और हमें आते हैं गन साउंड, तो हम लोग मुड़ जाते हैं उस तरफ देखने के लिए कि यहाँ पे क्या सीन शॉट चल रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे सामने जैसे ही मैं स्कोप खोलता हूँ तो किसी की पेटी बनती है जो कि एक बॉट था। अब यहाँ पे ही बंदे हैं, तो हम इनको पहले जाते हैं, और इतने में हमें आते हैं गाड़ी का साउंड। तो यहाँ पे हो गए टोटल 4 बंदे, दे आर गोइंग टू देम, स्टॉप्ड। अब सबसे पहले मैं वेट करता हूँ एक बढ़िया एंगल का कि ये बंदे रुके और मैं इनको दूँ दोनों को एक ही बार में। अब इनका एक बंदा गाड़ी में बैठा रह जाता है, तो पहले पकड़ते हैं उसे। अगर
अबे यहाँ एक बंदा गाड़ी में बैठा रहता है तो उसको तो मैं आराम से उतार देता हूँ, और दूसरा बंदा शैक में खड़ा था आराम से, तो उसका हेड ही दिख रहा होता है। तो उसकी भी मैं पेटी आराम से बना देता हूँ, और उसके बाद जिस टीम के लिए हम यहाँ आए होते हैं उस टीम के बंदे ओपन में खड़े होते हैं। तो अब पता नहीं इस गेम में सारे बंदे शायद नशे में खेल रहे थे, अब पता नहीं क्या था, जो भी था खैर यहाँ पे एक बंदा पकड़ा गया। अब दूसरा बंदा भाई मतलब उसकी इतनी फट जाती है ना कि मतलब वो भगने लग जाता है यहाँ से, और भग के पता नहीं कहाँ चल जाता है। उसको पकड़ेंगे लेकिन अब, और पकड़ के पेटी डालेंगे उसकी। दे 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 स्मॉल हाउस। ही वेंट अप। आई डोंट नो वेयर इज। अब देखो यार मेरे को ना ये SKS मिनी 14 SLR ये सारी गन चलाने का इतना शौक नहीं है, और ना ही मेरे को ये चलाना इतना अच्छा लगता है। खैर ये RP के अंदर ये लोग ऐसे ऐसे मिशन देते हैं कि भाई चलाने ही पड़ता है इसको, कुछ क्या कर सकते हैं मजबूरी है। तो मैं इस वाले गेम में बस अपना मिशन खींच रहा होता हूँ, अब RP भी तो 100 करनी ही है। तो खैर अब जैसे जैसे चलती नहीं, अब कई जगह तो भाई ऐसी चोटें भी हो जाती है कि भाई मतलब पछता तो हमें SKS चला के, खैर क्या ही कर सकते हैं। फिलहाल पकड़ते हैं इस वाले बंदे को। बियॉन्ड द बॉक्स। He's here. Enemies ahead. भाई पता नहीं ये बंदा इतना क्या डर गया था कि इसके अंदर क्या ही खौफ बैठा। ये बंदा वहां से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था, और इसको पेलने के लिए हमें जोन के बाहर जाना पड़ा। खैर जो भी है यहाँ पे आने के बाद इसकी पेटी तो बनी गई। अब जब इतनी गोलियाँ गालियाँ यहाँ पे वेस्ट हो ही चुकी थी तो थोड़ी लूट वूट करते हैं और फिर निकलते हैं बचे हुए बंदों को पेलने के लिए। अब तुम्हारे भाई की यहाँ पे 9 किल तो हो ही चुकी थी और बंदे भी ठीक ठाक अलाइव थे, तो मैं सोचा यार चलो आज तो रिकॉर्ड टूट ही जाएगा 10-11 किल का। तो मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ और देखो मेरे साथ क्या ही चोटें होगी। अब देखो हम लोग जोन में आगे रहते हैं और हमें कुछ बंदे स्पॉट होते हैं जिनको मैं सोचता हूँ कि SKS से पेलते हैं, क्योंकि इसका डैमेज थोड़ा अच्छा है। लेकिन भाई सही में अगर ये 6x अभी M4 में होता ना तो वो बंदा कप्पा ख़त्म हो चुका होता और लॉबी में बैठा होता। खैर क्या ही कर सकते, फिलहाल मेरे को एक और बंदा स्पॉट हुआ। सॉरी हियर तुम्हारा भाई स्प्रे तो ठीक ठाक ही दे देता है, लेकिन यार जब ये टकाटक टकाटक चलाने की बारी आती है ना तब तो मैं थोड़ा ऐसा हो जाता हूँ। सीन तुम्हारे सामने ही है कि क्या हुआ यहाँ पे। अब ये चोट यहाँ पे ये होती है कि ना तो मेरे एम बैठ रहे होते हैं यहाँ पे और ना ही यहाँ पे बंदे में से ठिल पाते हैं, और क्योंकि ये सारे जोन के बाहर लड़ रहे थे तो मैं इनमें से किसी को भी नहीं पकड़ पाता, और ये आपस में ठिल के और आधे से ज़्यादा जोन से ठिल जाते हैं। और खैर यहाँ पे मेरी टीममेट यहाँ पे नॉक हो जाती है, तो पहले सबसे पहले इसको बचाते हैं। और भाई ख़तरनाक M24 चला रहा है ये बंदा। तो फिलहाल टीममेट को बचाते हैं और पकड़ते हैं इनको। अब देखो यहां से तो कुछ हो नहीं रहा था, तो मैं सोचता हूँ कि चलो कोई नहीं घुस के पेलते हैं। अब देखो इसको मैं इतना डैमेज दे चुका था, लेकिन ये हरामी अब नॉक हो जाएगा जोन से। भाई मतलब सही में किल तो नसीब में नहीं लिखी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे और आगे घुसता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार चलो किसी को तो पकड़े यहाँ पे। लेकिन जब मैं काउंटिंग देखता हूँ यहाँ पे बंदों की तो सारे जोन से ठिल जाते हैं और आखिरी में बाकी होता है सिर्फ एक अकेला बंदा। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, फिलहाल पकड़ते हैं इस बंदे को। ये बंदा मतलब अब इस बंदे में इतना जोश होता है ना कि मतलब ये हमें पेलने के लिए ना मतलब
क्या कुछ नहीं करता, मतलब इसकी चांसेस कुछ नहीं होते बचने के, फिर भी मतलब ये पूरी जान लगा देता है हमें पेलने की। तो देखो अब सीन क्या है। गो एंड गो एंड गो एंड गो एंड टू द रॉक। अब हमें पता नहीं होता कि बनता क्या कहाँ पे है, तो हम लोग सबसे पहले हमारे पीछे का एरिया क्लियर करते हैं कि कहीं भाई साहब सांप बन के झाड़ी वाड़ी नहीं चाट रहे हैं यहाँ पे। तो पहले हम पीछे आके देख लेते हैं यहाँ पे, और कोई कुछ होता नहीं है तो हम समझ जाते हैं कि चलो बनता सामने की तरफ है, घरों में कहीं पे, और जो कि हमें स्पॉट होने वाला है बहुत जल्दी। अब इन द हाउस, इन द हाउस, इन द हाउस, राउंड हाउस। अब यहाँ मुझे बंदा स्पॉट हो चुका था, और बस ये भाई साहब अब आगे आने की कोशिश करेंगे, तो पकड़ते हैं इन भैया को। नॉट श्योर, मे बी इन द स्मॉल हाउस। Behind the wall. I know. In the back, I think there's everyone. Is it still behind the wall? Maybe he moved, but he's still behind. My game is lagging. लो भाई, मतलब कि यार चलो भाई ने उम्मीद नहीं छोड़ी हमें पहलने की। खैर बढ़िया था, जो भी है इसी के साथ हमें मिल जाता है एक शानदार सा चिकन डिनर। और ये वाला गेम प्ले आप लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नया होता चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिलहाल मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।